नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर और मैं हूँ आपके साथ रुचिका राज। इस वक्त की बड़ी खबर नालंदा से आ रही है, जहां एक ही परिवार के 7 सदस्यों की हत्या कर दी गई है। जी हाँ, हम आपको बताएं कि नालंदा के लोदीपुर में एक परिवार के 7 सदस्यों पर गोलीबारी की गई है, जिसमें कि 5 सदस्यों की हत्या घटना स्थल पर ही हो गई और 2 को अस्पताल ले जाया गया, जिसमें कि 1 की मृत्यु हो चुकी है और 1 जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। दरअसल मामला जमीनी विवाद का था। जमीनी विवाद की वजह से ही एक तरफ से गोलीबारी की गई, जिसमें कि एक परिवार के 7 सदस्यों को उनके ऊपर गोली चलाई गई, जिसमें कि 6 सदस्यों की हत्या हो चुकी है। आपको बताते चलें कि इसके ऊपर लगातार कार्रवाई की जा रही है, यानी कि नालंदा के SP वहां पहुंच चुके हैं दलबल को लेकर के, और लगातार इसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। पहले आप उनके पुत्र और गांव वाले और SP के पूरे बयान को सुनिए, फिर हम आपको बताते हैं। बोलूं तो कैसे बोले सर, खेत फोन किया तो दरोगा कह दिया गया थी बाउंड लाव मोहस निकाल के बाउंड देखा वो, हाँ तो हानि करना हो जो करो, तो इस हम कल के किया वो 1,000-1,00,000 रुपया दे दिया। अच्छा, तो आज कितने की मौत हुई है? छोबो के कहे ला कारण खेत जमीन ला खेत देखो जोता रहा है, हाँ ट्रैक्टर, हाँ वो सब माना करे लाया है। अच्छा, कितना लोग था? हमारी कई लोग था, वो लोग 30 गो था, 30 गो वो सब बुहार ले के लेके मारल के सर। अच्छा, मरने वाला सब एक ही है घर? हाँ, एक ही घर के। कौन है सब लोग? सब हमारे एगो भैंसू रहतुन, एगो देवर हथुन। अच्छा, ये बताइए भैंसू रहतुन। घटना पीछे क्या विवाद क्या है? जमीन ला। क्या नाम हुआ आपका? आशा देवी। क्या हुआ? लोदीपुर गांव था सर, जमीन विवाद चल रहा था, चारों भाई अपना था, एक पार्टी जोत रहा था, थाना में बाउंड होल था, कोर्ट में टाइटल चल रहा है, थाना में बाउंड हुआ कि जब तक न्यायालय से आदेश नहीं आता है, जब तक कोई पार्टी खेत नहीं जोत सकता। अच्छा। एक पार्टी 50 को गोहरान ला के चौ बगल से छेक के खेत जोत रहा था। अच्छा। हम लोग मना करने आए, सबको गिरा दिया। कितना का मौत हुआ है? 5 के मौत, 6 मर गया, 6। तो मैंने विवाद क्या है मुख्य रूप से? जमीनी विवाद है। तो सब एक ही घर के? सब एक भाई, सब एक भाई, सारा खतियानी जमीन है, सारा सर्वे के जमीन है, परदादा के। क्या नाम हुआ आपका? रोहित कुमार। अभी हम लोग पहुंचे हैं चपिलापुर के लोदीपुर गांव में, यहाँ जमीनी विवाद के कारण 2 ग्रुप के बीच में सुबह गोलीबारी की घटना हुई। ये दोनों गोतियाँ हैं आपस में। अभी गोलीबारी में कुल अभी 5 लोगों की मृत्यु की पुष्टि हुई है और 3 लोग घायल भी हैं, और इस संबंध में अभी हम लोग आगे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अभी हम लोग पहुँचे, आगे हम लोग डिटेल लेटर हम लोग आप लोगों को ब्रीफ करेंगे। अभी तत्काल नहीं, अभी हम लोग FIR की प्रक्रिया में हैं, अभी हम लोग देख रहे हैं। अभी हम लोग जो भी इसमें दोषी है उन लोगों पर सख्त कार्रवाई होगी, उसमें जो है पुलिस इसमें कोई लूपहोल्स नहीं छोड़ेगी, जो भी इसमें अपराधी इन्वॉल्व है उनको कड़ी सजा दिलाएगी। तो आपने जैसा कि सुना कि SP ने साफ तौर से कहा है कि इस पे कार्रवाई की जाएगी, लेकिन उस वक्त की बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि इस मामले में 2 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस प्रशासन को एक कामयाबी हासिल हुई है, जो 7 लोगों की हत्या की गई थी, जमीनी विवाद था, उसमें से 2 आरोपी जो इसमें संलिप्त थे उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया है। आपको बताते चलें कि लगातार अपराध की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही है, लेकिन इस बीच प्रशासन की तरफ से भी कार्रवाई की जा रही है और इस मामले में 2 आरोपी को अब तक गिरफ्तार कर लिया गया है। और भी ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ PR। नमस्कार।